हेलो मरहबा, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं जी आप सभी लोग? उम्मीद करती हूँ कि बहुत ही अच्छे होंगे, इंशाल्लाह खैरियत से होंगे। जी काम निमटने में ही नहीं आ रहा है। मैं घर की पूरी सफाई करके गई थी, पर जब मैं आई तो हम लोग शाम में पहुँचे थे और फिर हम लोग सो गए थे। फिर अगले दिन मैंने अनपैक करा पूरा अपना सूटकेस और फिर भाई साहब, मतलब ऐसा लग रहा है कि मेरा पूरा घर उस सूटकेस के अंदर था। मतलब सारे कपड़े, इतने सारे कपड़े। तो गलती क्या हो गई कि मैंने लास्ट डे वॉशिंग मशीन लगाई थी तो पूरी भरी हुई थी, फिर उसके बाद जो वहाँ के कपड़े थे वो सारे भर गए थे। तो दो दिन लगे मुझे वो सारे, मतलब एक दिन में दो दो बार मैं वॉशिंग मशीन लगा रही थी। मतलब इस तरह रात को लगा के छोड़ दी, मतलब रात में धो दिए वो सुबह तक सूख जाएंगे कपड़े, और फिर सुबह में लगाई जो फिर शाम तक सूख जाएंगे। इस टाइप से करा मैंने। तो फिर उसके बाद क्या हुआ, पूरा घर फैला हुआ था। मेरे हस्बैंड ने मेरी हेल्प करी, वो मैं सब कुछ आपको दिखाती हूँ। ये तो मैं करने के बाद मैं कर रही हूँ, पर ये मैं वीडियो में फर्स्ट क्लिप डालूँगी ये वाली। और उसके बाद मेरा क्या क्या घर में मैंने क्या क्या किया, क्या क्या रूटीन, कितनी क्लीनिंग करी, क्या क्या हुआ खाना पकाना, वो सब कुछ इसके बाद। बट इस टाइम पे ये आई थिंक थर्ड या फोर्थ डे है, और यहाँ पर अभी भी मतलब मेरा बेडरूम मतलब पूरा फैला पड़ा है। बेडशीट चेंज करनी है, झाड़ू रेगुलर लग रही है, पोछा नहीं लगा जब से मैं आई हूँ। और आज क्या है, आज सैटरडे है और हम लोग आ गए थे ट्यूसडे में। वेडनेसडे से हमारी मतलब सफाई वगैरह चल रही है। वेडनेसडे को मैं थोड़ा मम्मी के पास अर्जेंट काम था उसके लिए चली गई थी। थर्सडे, फिर फ्राइडे और फिर ये सैटरडे। तो जी बस यहाँ पर पूरे के पूरे कपड़े फैले हुए थे। कुछ मैंने वॉश कर लिए थे जिसको मैं और मेरे हस्बैंड फोल्ड कर रहे थे, और हानिया सो गई थी। हम लोग मतलब इस दिन शायद 2:30 नाइट में सोए पूरा कंप्लीट करके। तो यहाँ पर तो इस वक्त 12:30 बज रहे हैं, और फिर जल्दी जल्दी मैंने कपड़े फोल्ड करे, मेरे हस्बैंड ने कपड़े फोल्ड करे, उन्होंने रखे, और फिर थोड़ा सा बाहर से जो हॉल में कपड़े वगैरह थे वो हस्बैंड लेके आए। तो बहुत मतलब आसान हो गया था। तो जी ये हो गई थी नाइट। नेक्स्ट डे की पूरे दिन का मैं कोई भी व्लॉग नहीं शूट कर पाई या कोई भी वीडियो नहीं ले पाई, क्योंकि बहुत सारे काम थे कि मैं बिल्कुल भी मतलब फ़ोन तो मेरे पास था ही नहीं। वो मैंने हानिया को दे दिया था, वो अपनी वीडियोस देख रही थी, एक साइड पे बिठा दिया था, और मैं अपने काम निपटा रही थी जल्दी जल्दी। तो सारे काम से निमट के जब मैं रात में खाना बनाने लगी तो मैंने सोचा चलो इस टाइम तो मैं ले लूँ। बहुत ही सिंपल सा मैं खाना बना रही थी। यहाँ पर मेरे पास कुछ बोनलेस चिकन रखे हुए थे जिसको मैंने क्यूब में कट कर लिया था, और इसको मुझे चिकन पॉपकॉर्न बनाना है। इस वक्त तो जब मैं चिकन मतलब कट कर रही थी या बना रही थी, मेरे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि मुझे खाने क्या बनाना है। मैंने सोचा था प्लेन दाल राइस बना लूँगी या फिर कुछ पुलाव बना लूँगी इस टाइप से। और फिर उसके बाद जब मैं मतलब आई और मैंने धीरे धीरे बनाना शुरू करा, फिर मेरे दिमाग में एक थॉट चलता है, अच्छा क्या बन सकता है क्या नहीं बन सकता है। तो मुझे लगा कि जब मैं पॉपकॉर्न चिकन बना ही रही हूँ, वैसे तो प्लेन फ्राई चिकन भी बना लेती मैं, बट जब मैं पॉपकॉर्न चिकन बना रही थी तो मुझे आइडिया आया, जैसे KFC में एक राइस बोल मिलती थी ना विद पॉपकॉर्न चिकन, तो मैंने सोचा वो बना देती हूँ। तो यहाँ पर मैंने क्या किया, नमक मिर्च हल्दी डाली, थोड़ा सा मैंने इसके अंदर विनेगर डाला, और इसको अच्छे से मैंने मैरिनेट करके साइड में रख दिया। अब ये वीडियो में नहीं आया है पैकेट, ये था फ्राई चिकन का, जो पॉपकॉर्न चिकन बनता है ना वही हस्बैंड लेके आए थे, तो वो मैं दिखा नहीं पाई, और रैपर भी अब तो मैंने फेंक दिया और वो क्लिप में भी नहीं आया, सॉरी। नेक्स्ट टाइम मैं ज़रूर से उसका नाम जो है, नाम भी मैंने देखा नहीं था, इतना ध्यान नहीं दिया था, क्योंकि ये था माइंड में कि मैं दिखा दूँगी अपने ब्लॉग में। तो खैर वो तो मैंने अलग से मैरिनेट करके रख दिया। अभी मैं यहाँ पे बना रही हूँ राइस। तो राइस के लिए मैंने ऑयल ले लिया, उसके अंदर लौंग डाली थी 4-5, और फिर मैंने इसके अंदर प्याज डाल दी थी, और प्याज डालने के बाद मैंने इसके अंदर अपनी सारी की सारी वेजीज, कॉर्न डाला, कैप्सिकम डाला, टमाटो डाला, और ये मैंने ले लिए थे 2 क्यूब चिकन के, जो चिकन क्यूब्स आते हैं ना, तो उसको मैंने पानी के अंदर डिसॉल्व करके वो डाल दिया था। अब मैं डाल रही हूँ यहाँ पर बहुत ही हल्की सी हल्दी, और सॉल्ट आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल लीजिए, आप हल्का या ज़्यादा जैसा भी खाते हैं, और इसको बस एक अच्छा सा मिक्स दे दूँगी। और हमारा जो
क्या कहते हैं राइस का है वो डन हो गया है, और अलग से मैंने यहाँ पर ले लिया था 2 चम्मच सौंफ, 2 चम्मच धनिया सीड और कसूरी मेथी। इसको मैं बॉईल कर लूँगी, और जब ये हमारा बॉईल हो जाएगा पानी, इसको मैं डाल लूँगी अपने इस मसाले के अंदर। यहाँ पर मैंने प्लेन वाटर डाला है, उसके बाद जो ये सौंफ और धनिया का पानी है कसूरी मेथी वाला वो मैंने डाल लिया है, और बस उसको बॉयल आने दीजिए पानी को, फिर उसके अंदर आप राइस डाल लीजिए तो आपके राइस डन हो जाएंगे। और यहाँ पर जो अलग से ये बॉक्स है, इसके अंदर मैंने वो वाला मिक्सर लिया था पैकेट वाला, और इसको मैं डिप करके, पानी में डिप करके अगेन मैंने मिक्सर में डाला, और फिर उसके बाद इसको मैं फ्राई कर लूँगी। बट क्या हुआ कि वो मिक्सर बस मैं दिखा नहीं पाई, वो आया ही नहीं कैमरे फ्रेम में, तो वो मेरी गलती हो गई। और जी मैं ऑब्सेस्ड हूँ अपने किचन से कि अगर मैं कुछ काम कर रही हूँ तो मुझे वो हैंड टू हैंड स्लैब क्लीन करना है। इसका क्या रीज़न होता है ना कि आपका किचन को अलग से सफाई की ज़रूरत नहीं होती कि हाँ भाई हम एक दिन लगाएंगे अपना किचन साफ़ करने में। अगर आप छोटी मोटी चीज़ें हैंड टू हैंड क्लीन कर लेना तो आपका किचन चमकता रहे। तो अगर मेरे पास टाइम होता है, जैसे मैंने यहाँ पर राइस रख दिए थे तो मैंने अपना स्लैब क्लीन कर दिया, या फिर अगर बर्तन रखे हुए हैं तो मैं बर्तन वॉश कर लूँगी, इतने मतलब कुछ खाना बन रहा है तो मैं छोड़ती नहीं हूँ कि चलो पहले खाना खा लें उसके बाद इकट्ठे बर्तन धो लेंगे। ऐसा कभी कभी हो जाता है जब मतलब बहुत सारे काम हो कि हाँ भाई मेरे बर्तन भर गए हैं, बट फिर उस दिन मैं क्या करती हूँ कि रात को ही मैं अपना किचन क्लीन करके सोती हूँ, मैं छोड़ती नहीं हूँ। तो बस यहाँ पर हमारे जो थे चिकन पॉपकॉर्न रेडी हो गए हैं, और अलग से अब मैं बना रही हूँ थोड़ा सा मतलब ऐसे ही स्वीट एंड चिली, क्या कहते हैं मतलब ये तो मैं खुद का ही नाम दे रही हूँ, स्वीट एंड चिली चिकन। तो क्या है, इसके अंदर मैंने स्वीट चिली सॉस डाली थी, फिर ग्रीन चिली सॉस डाली, थोड़ा सा मैंने इसके अंदर डाला था लाल मिर्च पाउडर, नमक, सोया सॉस, विनेगर, और बस इसके अंदर आप जिंजर गार्लिक पेस्ट डाल के इसको अच्छे से मिक्स कर लीजिए, और अपना जो चिकन है उसके अंदर डाल के आप मैरिनेट कर लीजिए। बाद में आप चाहें तो इसके अंदर कॉर्नफ्लोर डाल सकते हैं, मैदा डाल सकते हैं। तो जी बस इसके अंदर मैंने डाल लिया था 1 चम्मच मैदा, और इसको अच्छे से मैंने कोट कर लिया था। कोट करने के बाद इसके अंदर मैंने डाले थे ब्रेड क्रम्स, और फिर उसको ज़्यादा हमें कोट नहीं करना है कि हम उसको मसल दें तो वो सारा का सारा क्या होगा ना उतर जाएगा। तो बस हल्के से आपको उसको टॉस करना है ताकि एक थोड़ा सा जो क्रम्स है ना वो ऊपर आ जाए, और बस उसको छोड़ देना है। ज़्यादा अगर आप करेंगे तो उसके ऊपर से हट जाएगा। तो बस यहाँ पर ऑयल ले लिया था सेम जिसे मैंने पॉपकॉर्न चिकन फ्राई करे थे, और इसी के अंदर मैं अपने जो ये स्वीट एंड चिली चिकन है ये मैं फ्राई कर लूँगी, और हमारा जो डिनर था वो हो गया था डन। तो जी ये जो राइस है आपको देखने में ऐसे लग रहे होंगे कि फीके फीके होंगे या कुछ, बट जो इसके अंदर मैंने चिकन क्यूब्स डिजोल्व करके डाले थे, और जो मैंने सौंफ धनिया का पानी डाला था उसके साथ कसूरी मेथी के साथ, तो बहुत ही अच्छा फ्लेवर आ गया था। और मैंने इसकी लेयर लगा दी थी चावल डाल के, मैंने पहले पॉपकॉर्न चिकन डाले, फिर दोबारा से चावल डाले, फिर उसके बाद मैंने पॉपकॉर्न चिकन की लेयर लगाई, फिर मतलब 3 लेयर हो गई थी ऊपर भी, मतलब इस तरह ये कोफ्ते से लग रहे हैं छोटे छोटे, बट ये बहुत ही ज़्यादा लजीज बने थे। और जी बस हम खाना खा ही रहे थे तो इतने देखा तो मम्मी पापा भाई आ गए, सरप्राइज विजिट थी क्योंकि एनिवर्सरी थी, तो मैंने बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि वो इस तरह मतलब केक वगैरह लेके आ जाएंगे, क्योंकि सेलिब्रेशन कुछ नहीं। और ये 28 जनवरी को मेरी एनिवर्सरी है, बट क्या था ये 26 या 27 में आए थे, मेन डे आए हुए थे, तो मैं कहती नहीं ये सब कुछ सेलिब्रेट नहीं करना, तो मेरा भाई कहता कि नहीं ये आपके लिए नहीं है, और ना ही मैंने इस केक के ऊपर कुछ लिखवाया है कि एनिवर्सरी वगैरह, मतलब उसका मकसद तो वही था कि वो लेके आए, बट वो शो नहीं कर रहा था, और बाकी कहता कि ये तो मैं अपने लिए लेके आया हूँ, ऐसे ही मुझे मीठा खाने का दिल कर रहा था। तो बातें तो खैर उससे बनवा लो कितनी भी। अभी थोड़ी ना देता मतलब, रुक जाओ नहीं शबाज नीचे से देख सब कुछ सेट कर रखा है, हाँ पकड़ना, डबल टेप लगा रखी है ताकि ना हिले। हैप्पी एनिवर्सरी, हाँ तो लो, मैं काट नहीं रहा भाई बच्चे कैसे, लो हानी आप कट करो, लो अर्शु आ जाओ आ जाओ आ जाओ, हानी रुको 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 रुको, अर्शु बाद में खा लेना आ जाओ, हमारे हैप्पी एनिवर्सरी की निशानी। हैप्पी एनिवर्सरी
सब बोलो हमें, हम खुद ही बोल रहे हैं। पापा को खिलाऊंगा। और जी बस यहीं तक था मेरा ब्लॉग। उम्मीद करती हूँ कि आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो जरूर से लाइक शेयर कमेंट कीजिएगा। इंशाल्लाह फिर मिलेंगे, तब तक के लिए आप अपना खूब सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।